आज आपको देश के पिछड़े इलाके दमोह में पसरी लंबी काली स्याह रात के बाद समृद्धि की सुबह के आगमन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 260 किलोमीटर दूर दमोह में कभी विकास के नाम पे लोगों के टूटे बिखरे हुए सपने ही बचे थे। अगर पानी की व्यवस्था बन जाए तो जी अपन और हल मल चला के खेती हो सकते। पुलिस तो नहीं बन पाया लेकिन फिर भी मतलब मेहनत तो कर रहे हैं। जाहिर है दमोह में जिंदगी बड़ी मुश्किल थी। यहाँ ना सिर्फ बंजर भूमि, सिंचाई की कमी, बल्कि कमाई का कोई विश्वसनीय जरिया भी नहीं था। गांव वालों को मजदूरी मिलती भी तो साल में महज कुछ ही महीने। वही महिलाओं के लिए घरों में शौचालय ना होने से शौच के लिए अंधेरे में खेत या फिर जंगल जाना पड़ता। पानी की समस्या इतनी कि महिलाओं को मीलों दूर चल पानी सर पर ढोकर लाना पड़ता। कुल मिलाकर यहाँ ना किसी को बीते पल की सूद थी और ना आने वाले कल का पता। शायद इसीलिए कभी दमोह का शुमार देश के सबसे पिछड़े इलाकों में हुआ करता था। हालांकि दमोह की यह समस्या ऐतिहासिक है जिसके बीज अंग्रेजों ने बीते हुए कल में ही बो दिए थे। ये एरिया बहुत ही पिछड़ा एरिया था और हिस्टोरिकल उसके रीजन भी हैं। मालगुजारी यहाँ की प्रथा थी। मालगुजारी प्रथा होने के कारण ना कहीं जो ध्यान था वो फार्मर के डेवलपमेंट में नहीं था, उसके फील्ड में डेवलपमेंट में नहीं था। यानी ज्यादा मालगुजारी भरने के चक्कर में यहाँ के किसान ना सिर्फ धरती की कोख उजाड़ बैठे बल्कि अपने भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा लिया। बारिश तो यहाँ औसतन देश भर से कहीं ज्यादा होती है पर खेती के लायक नहीं। यहाँ का स्टेटा इस टाइप का है कि 1246 mm के बाद भी एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में आता है कि क्यों यहाँ पे पानी की क्राइसिस है। पीने की भी पानी की क्राइसिस आती है। उसका रीजन क्या है कि जो नीचे में जो हार्ड स्ट्रेटा है उसका, स्पेशली यहाँ की जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है वो पानी को परकुलेट होने नहीं देती है। दमोह के इसी दर्द को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए देश की जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा को आमंत्रित किया। महिंद्रा ने दमोह इलाके के 32 गांव में राजीव गांधी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम के तहत प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की हैसियत से इस इलाके के विकास की जिम्मेदारी ली। पिछले 5 सालों में हमने कई महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रोजेक्ट में कायम की हैं। इसका नतीजा आपके सामने है। भले ही हम फसल की उपज के बारे में बात करें या पानी की उपलब्धि के बारे में बात करें या रोजगार के अवसर के बारे में बात करें, सभी मामलों में दमोह ने काफी प्रगति की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने IWMP में काम किया है और उनका काम निस्संदेह काफी अच्छा है। हितग्राही मूलक काम भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। किसानों के घरों में शौचालय भी बनाए, स्कूलों की बाउंड्री वॉल की जो देन है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने यहाँ जिले में देखा। दमोह को विकास के मानचित्र पर दोबारा लाने के लिए महिंद्रा की टीम स्थानीय गाँव वालों को साथ लेकर अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इलाके की गरीबी और बदहाली दूर करने में लग गई। इसमें रिच टू वैली, ऊपर से लेके पहाड़ से लेके नीचे तक लगातार संरचनाएं बनाने का वो था कि ऊपर कंटूर, कंटूर के बाद बोल्डर चेक डैम, बोल्डर चेक डैम के बाद गेवियन, गेवियन के बाद ये परकुलेशन टैंक और परकुले लास्ट में स्टाफ डैम वगैरह, ये संरचनाएं जल संरक्षण के लिए, भूमि संरक्षण के लिए बनाई गई। महिंद्रा की टीम ने दमोह के पहाड़ी ढलानों पर गली प्लग, कॉन्टूर ट्रेंच, नालों पर पत्थर या कंक्रीट चेक डैम, गेबियन बनाकर बारिश के दिनों में पानी के बहाव के साथ मिट्टी कटने से भी रोका। इनके अलावा 50 चेक डैम, कई तालाबों को और गहरा किया गया जिससे बारिश खत्म होने के बाद भी 2 से 3 अतिरिक्त फसलों के लिए सिंचाई हो पाए। मार्च और अप्रैल के महीने तक ही पानी उपलब्ध हो पाता था, जो कि आज की तारीख में इसमें जून तक पानी उपलब्ध रहेगा और आज भी इसमें जो है 3 गांव के मवेशी पानी पीते हैं। हमारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनमें हमारी जल धारण क्षमता बढ़ रही है। पानी का जल स्तर भी बढ़ा है जितने स्ट्रक्चर बने हैं। पहले जहाँ पानी था कि 10 मीटर वाटर टेबल में था तो अब वो बढ़ के 12 हो गया है। महज 4 साल के छोटे समय में
अगर यहाँ बनाए गए बांधों को जोड़ा जाए तो ये 350 किलोमीटर तक की दूरी तक पहुँच जाएंगे। इस चेक डैम के बनने के पश्चात जो यहाँ पानी पर्याप्त भरा रहता है उसके कारण आजू बाजू की जो उबड़ खाबड़ जमीन है उसमें गेहूं की फसल भी लगा पाते हैं और कम से कम 2 या 3 से पानी फसल में ले पाते हैं, जिससे उत्पादन दोगुना बढ़ गया है। समुचित सिंचाई के लिए ज्यादा पानी मिला और भू जल भंडार का स्तर भी 6 फुट तक बढ़ गया है। अब बारी थी कृषि को बेहतर बनाने की। इसके लिए महिंद्रा की टीम ने किसानों को न सिर्फ सिंचाई बल्कि बुआई के लिए बेहतर बीज मुहैया कराए, जिससे फसल उत्पादन कई गुना बढ़ा है। पहले धान 1 एकड़ में 5 बोरा करती थी, अब नए नए बीज आए महिंद्रा ने दिए किसानों को, 1 एकड़ में कम से कम 25 बोरा धान 20 बोरा करती है। बेहतर खेती के तौर तरीके बताने के लिए टैब नुमा डिवाइस लेकर एग्री डॉक्टर्स की पूरी फौज खड़ी की गई है। इनकी मदद और जानकारी से एक फसली मौसम में ही कमाई 67% तक बढ़ी है। जो गांव के रूरल यूथ हैं, जो बेसिकली फार्मरी होते हैं, उनको उनका हम चयन करते हैं और उनको केवीकेएस और अन्य रिसर्च सेंटर पे हम ट्रेंड करवा के इनको, और फिर इनको क्रॉपिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरे फार्मर्स का डेटा हम इसमें कलेक्ट करते हैं। हमारे किसान जो हमसे जुड़े हैं वे भी मतलब खुश हैं कि हम समय पर जानकारी देते, अच्छी फसल होती है, भी फसल अच्छी लगी हुई है। दमोह के 1964 किसानों में से एक जहीम खान भी हैं, जिन्होंने समूह बनाकर यहाँ पहली बार ऐसी फसल उगाई जो पहले कभी संभव नहीं थी। पर्याप्त सिंचाई की वजह से इमरत गोस्वामी जैसे किसान एक के बजाय अब 2 से 3 फसल उगा रहे हैं। कभी गांव छोड़ शहर जाने की सोचने वाले इमरत अब गांव में ही खेत में सोना उपजा रहे हैं। पहले खेती बाड़ी में 1 फसल होती थी, अब 2 फसलें हो रही हैं, तो अच्छी खेती बाड़ी भी हो रही है, तो अपना भी सच होने जा रहा है। पहले जो एक फसली अनाज उगाने से भी डरते थे, अब वही किसान कई तरह की सब्जियां भी उगाने लगे हैं। यहाँ की कंकरीली पथरीली जमीन अनाज उगाने के लायक ना सही, पर सब्जी उगाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि यहाँ तेज गर्मी में सब्जी खराब होने का डर रहता है, ऐसे में इनके लिए ग्रामीण फ्रिज भी बना दी गई है, जो इनके लिए वरदान साबित हुआ है। उसमें अंदर अपन हरी सब्जी रखते हैं ना, तो 4-5 दिन तक भैंसी की भैंसी रहती है। सिंचाई के लिए गहरे किए गए तालाब और खेतों में बने फार्म पॉन्ड के दोहरे फायदे हो रहे हैं। इन्हें सिंचाई के अलावा सिंघाड़ा की खेती के लिए इस्तेमाल कर कई किसान सालाना लाखों का कारोबार कर रहे। किसान मछली भी पाल रहे हैं, जो गांव वालों के लिए अतिरिक्त कमाई का जरिया बन गया है। दमोह वासियों के खेत खलिहान में तो बदलाव की फसल खड़ी हो ही गई है, साथ साथ उन गांव वालों का भी विकास हुआ है जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं थी। महिंद्रा ने जो जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे एक्टिविटीज लिया है, मुर्गी पालन, बकरी पालन और आटा चक्की चलाना, जो वहाँ की जरूरत है। छोटू मुर्गा जाने जो 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 बॉयलर है, बॉयलर जाते हैं 100 रुपए 70 रुपए, और जो अपन बच्चे ही मिलू 45 रुपया में, तो अपन करीबन में मिले 700-800 रुपए किलो, यानी 2 किलो की हो जाए तो अपन 12-13 रुपए मिले एक मुर्गा में। लकड़ी का सामान बनाने वाले बढ़ई जो कभी अपना हुनर भूल मजदूरी करने को मजबूर हो गए थे, आज आजीविका कार्यक्रम के तहत आर्थिक मदद पाकर अपना खुद का काम शुरू कर लिया है। मैं पहले दूसरों की मजदूरी करता था, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब महिंद्रा से जुड़ा हूँ, जब से मैं अपना स्वयं का सामान बना के बेचता हूँ। बांस की लकड़ी से खूबसूरत चीजें बनाने वाले बुनकर भी अपनी कला को बेचने गाँव से शहर तक का सफर तय कर रहे हैं। महिंद्रा कंपनी से जो अपन को लाभ मिला है, तो पहले अपन ऐसा करते थे जैसे आपके यहाँ लगा बांस, मानो आपकी जमीन में, तो आपको एक छबला चाहिए, तो आपने हमको बांस दिया, तो हम ले आए, तो आधा हमारा कहा उसमें से आधा आपका कहा, आपका हमने बना के आपको दे दिया, फिर हमको उसमें से आधा बच गया। उधर से हम लोग ऐसा करते जैसे 100-200 रुपए का अपन बांस ले आए, खरीद के बांस ले आए, फिर अपन उसको उपयोग करते, बनाते हैं, हर चीज करते हैं, बेचते हैं, तो अपन को जितना से बहुत लाभ मिला है। उनसे बात करने पर पता चला कि उनको कुछ पैसों की आवश्यकता है जिससे वो नगद खरीद सके, उनको समूह में जोड़ा और उनको रिवॉल्विंग फंड की राशि के रूप में जो सहायता मिली, जिससे उनको वो नगद में बांस खरीदने लगे,
जिससे डायरेक्ट उनको दुगना फायदा होने लगा। पिछले 4 सालों में दमोह वासियों की जिंदगी कितनी बदली है, इस बात का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस काम के लिए उन्हें कभी शहर के चक्कर काटने पड़ते थे, आज वही घर बैठे गांव में ही मिल जाता है। शादी ब्याह जैसे पारिवारिक और अन्य सांस्कृतिक अवसरों के लिए टेंट हाउस, गाजे बाजे, डीजे बैंड पार्टी तक की व्यवस्था गांव में ही होने लगी है। पहले हम लोग थोड़ी सा लिया था, पहले टेंट तो कम पड़ रहा था हम लोगों को, तो हमने महिंद्रा से लिया, कहीं 15x30 का, कहीं 30x30 का, इस प्रकार टेंट लगा। गांव में पर्व त्योहारों को सजाने, जगमगाने वाले मिट्टी के बर्तन, दिए बनाने वाले कुम्हारों ने भी अब अपने पांव झोपड़े के आंगन से शहर की ओर कर लिए हैं। और अभी पहले थोड़े थोड़े बनाते थे, जब से हमें समूह मिला है तो समूह में जुड़े हैं, जब से हम बहुत बनाने लगे हैं और उससे हमें फायदा हुई है। पहले देहात में चलते थे और अब थोड़े बाहर भी बेच आते हैं। यहाँ पे महिंद्रा ने SHG का नया तरीका अपनाया है, उन्होंने ऐसे SHG नॉर्मल जो है 10 से 20 के आसपास होते हैं, इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे 5 के आसपास उनको SHG को बनाया, जिससे क्या हुआ है कि लोग बहुत जल्दी इसमें जुड़ गए। यानी जो कभी मजदूरी कर अपना पेट पालते थे, आज साल भर नियमित आय कमा रहे हैं। इसी क्रम में हरित क्रांति के साथ सफेद क्रांति भी परवान चढ़ रहा, पर मवेशियों से ज्यादा दूध उत्पादन के लिए इन्हें खास देखभाल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हाईटेक कैटल मेंजर बड़े काम के साबित हो रहे, इससे मवेशियों का चारा पानी स्वचालित हो गया है। जो महिंद्रा ने ठाण बनवाया है, इससे अपने गायों के लिए चारा भी फैल जाता था, पहले एक खुलेटे बनाया है, इस चारा नहीं फैलता है और गंदी जगह में नहीं जाता, इसको जितनी टाइम पानी या प्यास लगती है वो पानी खुद पी लेते हैं। यही नहीं, गांव के गाय भैंस ज्यादा वसा यानी फैट वाले दूध दे सके, इसके लिए कंक्रीट हौदे में अजोला के कल्चर तैयार कर गांव वाले मवेशियों के चारे में इसे मिलाकर दूध की दुगनी उत्पादन कर रहे हैं। प्रोटीन बेस्ड कंपोनेंट है और ये मिल्क में प्रोटीन के कंसंट्रेशन को यथावत बना के रखता है। तो यहाँ पर अपने 1.5 लीटर दूध होता था, इसके बाद धीरे धीरे अपना उनके लिए दूध ले आया, सैंपल लगाया, उनके लिए फैट दिखाया, इसके बाद अपनी बरसात में आया तो अपने 1.5 लीटर से शुरुआत की, इसके अलावा उन्होंने 250-300 के करीब पहुंचा। सुबह सुबह गांव के चौराहे पे दूध कैन में इकट्ठा किया जाता है, जिन्हें BMC यानी बल्क मिल्क कूलर्स तक पहुंचाया जाता है। पहले दूसरी डेली हती तो 3 फेंट दे तो हमारे 4 फेंट दे तो, अब जब डेली महिंद्रा वालों की खुली है तो जब 5 फेंट दे रही। बहरहाल दमोह के विकास की सबसे खास बात रही है, इसके विकास में केवल पुरुषों की ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बराबर की भागीदार रही हैं। लेकिन इसके लिए पहले रूढ़ियों में जकड़ी दमोह की महिलाओं को सैकड़ों सालों के पर्दे से बाहर निकालना था। मेरे पति मजदूरी करते थे तो रूखा सूखा जो कुछ मिलता था तो खा के चला लेते थे, लेकिन अब हम लोग ये काम करते हैं मशीन का, मतलब सिलाई का काम करते तो उससे 2-4 हज़ार रुपये का काम कर लेते तो हम लोग मतलब ये अच्छे से काम मतलब चलता है घर का। साधना गोस्वामी जैसी महिलाएं हैं जो महिला समूह में काम कर अपनी नन्ही बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए बचत करने में लगी हैं। वहीं रमाबाई जैसी कई महिलाएं भी हैं जो घर के भीतर पर्दे में रहने के बजाय बाहर निकल बकरी पालन जैसे व्यवसाय के जरिए हजारों नहीं बल्कि लाख टके के कारोबार कर रही हैं। बकरी खरीद के फिर 2-2 बकरियां खरीदी हमारों ने, इसके बारे में बकरी खरीदी, बकरी के बारे में फिर उसके लाना है, उसको दूध बेचा हम लोगों ने, दूध बेच के किस्त जमा करते हैं, जो 25,000 आपने पैसा लिया था वो वापस करा है, इसके बाद में फिर हम लोगों के बकरियां बेच के कुछ फायदा भाई, तो साल भर में बकरी बेची तो कोई 10,000 की, कोई 5,000 की, इतनी फायदा हुआ है। इसके लिए IWMP के अंतर्गत ब्याज रहित कर्ज और सही मार्गदर्शन खासा काम आया। दमोह इलाके के 32 गाँव में 400 स्व सहायता समूहों के जरिए करीब 2000 महिलाओं ने छोटे छोटे घरेलू लघु उद्यम शुरू कर लिए हैं। दमोह की महिलाओं को पर्दे से बाहर निकालना एक भागीरथ प्रयास था, जिसमें राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और महिंद्रा की टीम सभी को मिलकर गांव वालों के साथ खासी मेहनत करनी पड़ी। जो अपने घर के अंदर से बिल्कुल दरवाजे तक बाहर नहीं आते थे, बाहर लाना, इस सेंटर में मिलकर सबके साथ काम करना,
बहुत धीरे 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 प्रोसेस रही, लेकिन आखिर कामयाबी रहे, इस सेंटर में आ रही हैं, अपना खुद ग्रुप बनाकर अपना मतलब अपने दम पर ये सिलाई कर रही हैं। हालांकि महिलाओं के सशक्तिकरण के पीछे सिर्फ उनका आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि समाज में सम्मान वापस दिलाना भी था। इसकी शुरुआत सबसे मूलभूत जरूरत घरों में शौचालय बनाकर हुई। आरती बाई और संगीता बाई दमोह की उन सैकड़ों महिलाओं में से हैं, जिन्होंने देश भर में जारी इस स्वच्छता मिशन को स्वीकार कर अपना आत्मसम्मान बचाया है। गृहिणियों को वेलो वाटर व्हील की सुविधा भी दी गई है। जब से जो आओ से एक ही बार 40 लीटर पानी आ जात, झाड़ू पोछा करो, पानी भरो, समय वही में काढ़गाओ। दमोह की रसोई में भी धुएं के बदले बदलाव के बादल छा गए हैं। चूल्हे में घरेलू चिमनी लगा, इन्हें धुआं रहित चूल्हा मिला। दमोह में यूं तो आपको महिला सशक्तिकरण की ऐसी एक से बढ़कर एक कहानी मिल जाएंगी, पर इलाके के देवरी जमादार गांव के रहने वाली सुमन लोधी पूरे इलाके की शान बन बैठी हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो हम घर में से कम रहने को लगते, अपने घूंघट मारे, अपने घर में अपने बच्चों की देखभाल वस करते। और फिर अभी सरपंच के पद पे आ गए तो हम अब मीटिंग ग्राम सभा सभी कुछ समय पहले गुड्डू सिंह से शादी कर ससुराल आई सुमन और बाकी गांव की महिलाओं में खास फर्क नहीं था। सब की सब घूंघट निकाल पर्दे में सिमटी सकुचाई रहती। सुमन की सबसे बड़ी जीत उनके पति की आंखों में बड़ी इज्जत है। पति को काम में हाथ बटा सुमन काफी खुश हैं, जबकि उनके पति ने पर्दे को सदा के लिए अलविदा कह दमोह के बाकी लोगों के लिए एक सफल उदाहरण पेश कर दिया है। महिंद्रा वहां पहुंच गया जहां तक अभी तक कोई एजेंसी नहीं पहुंची थी। इंटीरियर से इंटीरियर लास्ट मोस्ट गांव तक महिंद्रा ने काम किया और मैंने खुद उनकी एक एक काम को देखा है। दमोह में IWMP किस तरह उम्मीद की किरण बनाई है ये बात जामुन हटरी जैसे अंधेरे में बसे गाँव में जाकर ही पता चलता है। यहाँ सूरज डूबते ही लोग अपने अपने घरों में चले जाते, सड़कें सुनसान, चौराहे वीरान हो जाते। आज स्वचालित सौर ऊर्जा से चलने वाले लाइट्स शाम गिरते खुद बखुद इलाके को दूधिया रोशनी में नहा देते हैं। सोलर लैंप की रोशनी में बड़े आराम से संध्या आरती करते जबकि बच्चे घर में पढ़ाई करते। IWMP जैसे उनके लिए उम्मीद का एक नया सूरज बन उगाया है। इसीलिए जो कभी सूखे में अपनी खेती और जिंदगी बचाने में लगे थे आज बेहतर खेती रोजगार के बूते सुधरी जिंदगी जी रहे। जहां कभी खेती के लिए हल भी नहीं था आज ट्रैक्टर्स और थ्रेशर खरीद कर अपनी जिंदगी समृद्ध करने में लगे हैं। तो ये थी कहानी दमोह के उदय की जो विकास की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। सरकार और महिंद्रा के साथ ने दमोह को विकास के मानचित्र पर मजबूती से लाखड़ा किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तो इसका काम शुरू किया है। वाटरशेड ये मैं समझता हूँ लगभग 17 इन्होंने यहाँ पर काम किया है। इसका अच्छा परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ जो बोनी का रकबा था वो रकबा बढ़ा है, दूसरी तरफ सिंचाई का रकबा भी बढ़ा है, इससे पैदावार बड़ी ज़्यादा बढ़ी है और भूजल स्तर भी काफ़ी ऊपर आया है। मुझे इस बात की काफ़ी संतुष्टि है और काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हमने एक पॉजिटिव चेंज दमोह के जो नागरिक हैं उनकी लाइफ में ला सके हैं, भले ही वो सोशल चेंज हो या इकोनॉमिक चेंज हो। लेकिन ये कहूँगा कि महिंद्रा ने एक सहायक का काम इसमें किया है। ये जो नतीजा हमारे सामने है ये इसलिए पॉसिबल हो सका है कि जो हमारी टीम है, जो मध्य प्रदेश सरकार के अफसर हैं और जो दमोह के रेजिडेंट्स हैं उन सब ने मिलकर एक सामूहिक रूप से काम किया है और इसका नतीजा हमारे सामने आया है। पिछले 4 साल से महिंद्रा की टीम ने इस सूखे बियाबान को हरियाली की चादर से ढकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। यहाँ वैकल्पिक सोच के कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिससे दमोह की तस्वीर में सकारात्मक बदलाव साफ देखा जा सकता है।
नगाहे नाज वहाँ आसरा दिया तुमने, जहाँ उम्मीद थी किश्ती के डूब जाने की। ये कहिए सर कि हमको काफी सहारा मिला है और हम लोग महिंद्रा के और वाटर सेट कंपनी के कृतार्थ हैं कि भादों से काली रात का अंधेरा नहीं देखा, मुद्दत से हम गरीबों ने सवेरा नहीं देखा। बाद मुद्दत की ये घड़ी आई सर, वाटर सेट योजना आई तो हम गरीबों की तो जिंदगी आई। मध्य प्रदेश और महिंद्रा की साझेदारी ने दमोह के 32 गांव का उदय किया है। आज दमोह के लोगों ने सपने ही देखना नहीं बल्कि उठ जाग कर उन्हें साकार करना भी सीख लिया है।